हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे अनदर गेम प्ले वीडियो में। तो गाइज, हमने कल बनाया था एक छोटा सा सस्ता सा ट्रेडिंग हॉल। वो ट्रेडिंग हॉल तो हमने बना दिया। आज हम क्या करने वाले ना, एक छोटा सा फूड फॉर्म बनाने वाले हैं। ऐसे फूड फॉर्म तो हमने बना के रखा है ब्रेड का, बट हम आज बनाएंगे कैरोट का फार्म, जिससे ना हम ट्रेडिंग कर सके और बहुत ज्यादा ना इमरेल्ड वगैरह ले सके। इसलिए आज हम क्या करेंगे, कैरोट का फार्म बनाएंगे। तो कैरोट का फार्म बनाने से पहले ना हम आज सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद फार्म बनाएंगे। कैरोट का फार्म बनाने से पहले ना यहाँ पे जितने भी कैरोट हो चुके ना, सबको तोड़ लेते हैं एक बार और फिर से यहाँ पे लगा देंगे कैरोट। तो और एक्स्ट्रा कैरेट अपने को मिल जाएगा। तो सारा कैरोट यहाँ से तोड़ लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा कैरेट। अरे हट जा तू, हट। तो यहाँ से ना हम सारा कैरेट तोड़ लेते हैं और कुछ कैरोट यहाँ पे लगा देंगे कि अपना खेत भी काम करता रहे। 2.5 स्टैक आ गए अपने पास टोटल कैरोट। तो आधा स्टैक ना हम इसमें लगा देते हैं, कुछ कैरोट हम इस खेत में फिर से लगा देते हैं। कैरोट ना बहुत मस्त होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और अपने पास ना पोटैटो भी हो, क्या करेंगे ना, एक साइड कैरोट का बना देंगे, एक साइड पोटैटो का। भाई दोनों ही दोनों फार्म बन जाएगा, मजा आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं ना, रात तब तक हो ही रही है, तब तक हम ना जितना भी शुगर कैन है ना, फिर से इसे तोड़ लेते हैं और फिर से लगा देंगे। अपने पास शुगर कैन का भी भंडार हो जाएगा गाइस। चलो, तो फिर से हमने शुगर कैन लगा दिया गाइस, और उधर की अभी छोड़ देते हैं। अभी अपने पास बहुत ज्यादा शुगर कैन है, उतना नहीं चाहिए हमें, बाद में जब जरूरत पड़ेगा ना तब देखा जाएगा। फिलहाल हम सारे शुगर कैन को रखते हैं। चेस्ट सारा फुल हो गया क्या? नहीं नहीं, इसमें भी कुछ शुगर कैन रखे है ना, 27 रखे है हमने। चलो, तो अपने पास ना 3 स्टैक के पास आस पास शुगर कैन भी है, काफी है। उधर अभी तोड़ूंगा ना तो आई थिंक 1.5 स्टैक और निकल जाए। फिलहाल मैं अभी नहीं तोड़ने वाला, बाद में तोड़ूंगा। तो अभी अपने को चाहिए सैंड। तो सैंड के लिए हम सबसे पहले एक शॉवेल है मेरे पास, एक शॉवेल और बनाते हैं, स्टोन का शॉवेल बना लेते हैं। आयरन अभी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आयरन की ना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आयरन अपने पास कहाँ पे है, 1 स्टैक के आसपास आयरन है अपने पास। आइए रहा, तो हम हॉपर बना लेते। कितने हॉपर बना ले, 6 6 12 12 हॉपर बनाते हैं क्या? हाँ, 12 हॉपर इजीली बन जाएंगे, इतने आयरन है अपने पास। तो हॉपर बनाते हैं। हॉपर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चेस्ट। तो चेस्ट के लिए भी लकड़ियाँ हैं ही अपने पास, तो चेस्ट बनाते हैं। 12 चेस्ट बनाना पड़ेगा, 2 ही चेस्ट बना। चलो इससे सारे ना प्लैंक बना लेते हैं। तो हो गया, सारा प्लैंक बन गया, ये गलत डाला मैंने। चलो कितने चेस्ट हो गए, 9 ही हुआ। और बनाना है, 9 3 12 हो गए। और हम ना एक काम करते हैं, अपने को 4 चेस्ट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा क्योंकि चेस्ट लगाना भी तो पड़ेगा ना हॉपर के साथ। तो चलो अब हॉपर बनाते हैं, फटाफट से हॉपर बना के धर देते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो चलो ये हो गया, चलो हो जाएंगे इजीली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 10 ही हुआ। अच्छा ये है ना, 11 12। चलो तो हमने 12 हॉपर बना दिया, 4 चेस्ट एक्स्ट्रा बच भी गया और अपने पास 19 आयरन भी बच गए। तो हॉपर को रखते हैं अपने पास ही, अभी काम पड़ेगा उसका। तो अब अपने को ना सैंड चाहिए और वुड चाहिए, तो वुड भी तोड़ लेते हैं यहीं से। वुड अपने पास एक एक्स है। चलो इतने में काफ़ी अच्छा खासा वुड तोड़ लूंगा मैं। थोड़ा वुड ले लेते हैं, हॉपर मैंने बना लिया, अब वुड की ज़रूरत है क्योंकि मैं पिलर जो है ना फूड फार्म का वुड से ही देने वाला हूँ। तो ये जो एक्स है ना, इससे जितना टूट जाएगा उतना वुड हम यहाँ पे आके निकाल लेते हैं फटाफट से। हमारा एक्स भी टूट चुका है और बहुत ज्यादा लकड़ी भी कलेक्ट कर लिया हमने, 2.5 स्टैक के आसपास कर ही लिया, 2 स्टैक और 13, और कुछ एप्पल्स भी हमने कलेक्ट कर लिया, और साथ ही साथ ना सैम्पलिंग कलेक्ट कर लिया पत्तियां तोड़ के। तो अभी मैं वुड लगाया नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से बनाना है अभी फूड फार्म, तो सैम्पलिंग वगैरह बाद में लगाएंगे। अब चलते हैं फटाफट से, हमने अपने पास हो गया, एप्पल को भी रख देते हैं, एप्पल अभी लेके घूमने का नहीं है, जो काम की चीज है ना अभी वही रखूंगा। तो चलो वुड भी हो गया, अब फट क्या चाहिए भाई तेरे को, यहाँ से निकल। अब मेरे को ना फटाफट से ना
शॉवेल बनाने का है, एक एक्स बनाने का और शॉवेल बनाने का। एक्स मैं नॉर्मल बनाऊंगा क्योंकि आयरन वेस्ट नहीं करना है, शॉवेल सिर्फ एक बना लेता हूँ आयरन का, और एक सिंपल शॉवेल भी बना लेता हूँ। स्टोन है ना अपने पास, स्टोन? हाँ है, स्टोन है। चलो तो फटाफट से ना एक एक्स बनाते हैं। ये एक्स, अच्छा ये डायमंड का है भाई, सॉरी सॉरी। चलो तो एक एक्स बना लिया और एक शॉवेल, क्योंकि हमें चाहिए ना बहुत ज्यादा। शॉवेल अभी नहीं बनाते क्योंकि अपने पास क्राफ्टिंग टेबल है इन्वेंटरी में। फटाफट से ना चलते हैं, रात होने वाला है तो चलते हैं, रास्ते में ही सो जाएंगे। पैड अपने हाथ में रख लेते हैं। चलो तो अब चलते हैं जहाँ से सैंड हमने पिछली बार लाया था ना ग्लास बनाने के लिए, वहीं से सैंड उठा के लाएंगे फटाफट से। तो हमें सैंड मिलेगा उस साइड, उस विलेज के पीछे है, तो वहां पे चलते हैं फटाफट से और सैंड लाते हैं। और फूड फार्म के लिए ना हमने इसके जस्ट पीछे अपोजिट में जगह क्लियर कर दिया फूड फार्म के लिए। वो जो आप देख रहे हो ना इतना क्लीन एरिया, ये मैंने कल ही किया था, ये मैंने कल ही क्लीन किया था। यहीं पे बनेगा अपना कैरेट फार्म। तो फटाफट से हम चलते हैं जहाँ पे हमें चलना है फिलहाल, वो सामने आप देख रहे हैं वही है। तो फटाफट ना यहाँ से सैंड ले चलते, बहुत ज्यादा सैंड लेंगे, कम से कम ना 5-6 स्टैक का कुछ ट्राई करेंगे कि हम यहाँ से सैंड कलेक्ट कर ले। तो सबसे यहाँ से लेते हैं आगे, मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ से मैंने बहुत ज्यादा कलेक्ट किया था, तो यहाँ से करते हैं। तो अपना शवल फिर से टूट गया है। अब फटाफट से ना सारा जो सैंड बिखरा पड़ा है सारे को उठा लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो अपने पास ना टोटल 3, 3, 6, 2, 8, 10 स्टैक हो गए टोटल सैंड। अब फटाफट से ना हम चलते हैं अपने घर के पास। तो अपने पास ग्लास का भी काम हो गया, वुड का भी काम हो गया, और साथ ही साथ हमने हॉपर भी बना लिया और चेस्ट भी तो बना ही रखा है। अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा सामान अपने पास है। बस एक कार्टोग्राफर टेबल बनाना है, एक नहीं दो बनाना है, दो कार्टोग्राफर बनाना है और हमें बनाना है दो कंपोस्टर बनाना है। बस दो फार्मर का रोल देंगे और दो को विलेजर वहां पे खड़ा रहेगा सामान कलेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक दो चीज और हमें बनाना है, कंपोस्टर और कार्टोग्राफर। उसके बाद ना अपना सारा सामान डन हो जाएगा और फटाफट से हम चलेंगे फिर फूड फार्म बनाने। तो अभी चलते हैं फटाफट से ना सैंड को पिघलने के लिए डाल देते। अपने पास कितने आयरन है? 18 आयरन है ना। एक काम करते हैं, रुको, अपने पास 18 आयरन है ना, तो एक उपाय लगाते हैं। एक यहाँ से इसको तोड़ते हैं पहले, रुको, पहले बहुत ज्यादा सैंड है अपने पास, तो एक चेस्ट बना के जगह खाली करना पड़ेगा मेरे को। बोट रख देते हैं, स्लैब रख देते हैं, रुको। अब एक क्राफ्ट, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ते हैं। एक फर्निश तो मैंने तोड़ दिया, अब एक शॉवेल बनाते हैं फटाफट से। शॉवेल अपने पास नहीं है तो शॉवेल बना के यहाँ पे कुछ इस तरह से गड्ढा करते हैं, एक पे चेस्ट, हॉपर, फिर फर्नेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हम लगाएंगे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक चेस्ट लगाएंगे, सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, डट लगा दिया। तो यहाँ पे ना एक चेस्ट लगाएंगे, चेस्ट के ऊपर जस्ट एक हॉपर प्लेस करेंगे, यहाँ पे एक हॉपर प्लेस करेंगे, और अपने पास जो फर्निश अभी मैंने तोड़ा था यहाँ से, ये फर्निश को इसके ऊपर लगाएंगे। तो गाइस इसके ऊपर फटाक से लगा दिया, चलो ये लगा दिया मैंने। अब ना एक मिनट, अब मैं इसके हाइट पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इस पे हॉपर और चेस्ट लगाना है। तो एक हॉपर इस पे लगाते हैं और एक चेस्ट लगाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लगा देते हैं एक चेस्ट, तो ये अपना हो गया फाइनल वर्क डन। अब तो ये अपना ऑटोमेटिक ग्लास मशीन बन के तैयार है कि मैं इसमें पूरा सैंड डाल दूंगा, नीचे जलने के लिए फ्यूल डाल दूंगा और ऑटोमेटिक ग्लास बन के चेस्ट में आता रहेगा, मेरे को बार बार सैंड डालने की जरूरत नहीं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, चारकोल बनाना मेरे को। तो पहले इस फर्निश में कोल डालते हैं और अपने पास 13 वुड एक्स्ट्रा है, तो इसको चारकोल बनाते हैं फटाफट से। इसको चारकोल बनने देते हैं, तब तक हम ना इसमें सारा सैंड वगैरह डाल ही देते हैं। तो हम इसमें सारा सैंड डाल दिए हैं, अब हमें एक बकेट चाहिए। ये रहा बकेट, दो बकेट ले लेते हैं। एक बकेट का वाटर जो है ना इसको कहीं पे गिरा देते हैं, तो इस पानी को यहीं पे गिरा देते हैं। अरे गिरा, हाँ चलो गिरा दिया मैंने। अब दोनों बकेट में ना लावा चाहिए मुझे, तो लावा इस ब्लेजर के रूम में होगा, ब्लेजर के बाहर ही है, रूम में नहीं, यहाँ पे। हाँ ये रहा लावा, दोनों बकेट में लावा मैंने भर लिया, ब्लेजर के घर में से लिया है। उसको क्या बोलते हैं, स्मिथिंग या क्या है, उसको नहीं पता, स्मिथिंग शायद क्या है, वही बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है क्या बोलते उसे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बकेट लावा डालते हैं, चलो, और एक बकेट एक्स्ट्रा डाल देते कि ये फार्म अपना वर्क करतेगा, रुकेगा नहीं। ये बकेट उठा के फिर से इसमें डाल देते, नहीं रखे तो अपने पास पानी भर लेते एक्स्ट्रा, क्योंकि अपने को ना
वाटर बकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो अपने पास 10 हॉपर हो गए हैं और चेस्ट भी 2 हो गए, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास ना 18 आएगा ना, और जब जरूरत पड़ेगा तो बना लेंगे। ग्लास का काम तो मैंने लगा दिया, सैंड डाल दिया इसमें, अब ऑटोमेटिक जल के यहाँ पे ग्लास बन के आता रहेगा। तो अब हमें बनाना है क्राफ्टोग्राफर करके कुछ होता है टेबल, उसे बनाना है, और एक बनाना है कंपोस्टर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पेज। तो शुगर कैन इसमें होगा, हाँ ये रहा शुगर कैन, बट हाँ यहाँ पे 11 पेपर है तो शुगर कैन को छोड़ देते हैं, इसी से बना लेते हैं। पेपर है, अब यहाँ पे सर्च मार लेते हैं, मेरे को रेसिपी याद नहीं है। अच्छा ऐसे बनता है, चलो 2 क्राफ्टोग्राफिक टेबल हमने बना लिया। अब हमें चाहिए कंपोस्टर, तो कंपोस्टर का रेसिपी फिर से भूल गया मैं। तो कंपोस्टर के लिए स्लैब चाहिए होता है, तो हाँ स्लैब हमने रखा था कहीं आस पास, हाँ ये रहा 11 स्लैब, चलो इससे तो इजीली बन जाएगा। 2 कंपोस्टर चाहिए ना, तो 2 कंपोस्टर के लिए सबसे पहले हमें वो थोड़ा सा बना लेते हैं, चलो 20 बना लिया, इसको हटाओ यहाँ पे। अब यहाँ से इसे स्लैब बनाते हैं फटाफट से, चलो 12 हो गए फटाफट। चलो अब इसे ना कंपोस्टर बनाते हैं, ये गलत डाल दिया मैंने, हाँ 2 कंपोस्टर भी हो गए, 2 क्राफ्टोग्राफिक टेबल भी हो गया। अब फटाफट से ना जो भी एक्स्ट्रा सामान था जैसे पेज को हटाते हैं। तो ग्लास कहाँ पे रखा था मैंने, ग्लास एक स्टैक ग्लास यहाँ पे, और ग्लास पड़े हैं मेरे पास थोड़ा सा, ये रहा 31 ग्लास। तो चलो अब यहाँ पे ये वर्क कर रहा है अपना, इसको छोड़ देते हैं, ग्लास भी बनता रहेगा। अब फिलहाल हम चलते हैं अपने काम पे। तो सारा कुछ हो गया, होई भी बनाना है तो होई हम वहीं पे बना लेंगे। अब यहाँ से ना कैरोट वगैरह उठा लेते हैं, तो कैरोट किधर है, कैरोट हाँ, तो कैरेट ये रहा, कैरेट को उठा लेते हैं और पोटैटो को, एक एक वाले में पोटैटो रखेंगे, एक वाले में कैरेट रखेंगे, मतलब एक में आलू रखेंगे और एक में गाजर रखेंगे। चलो तो सारे पोटैटो को मैंने उठा लिया, सारा काम हो गया। अब फटाफट से चलते हैं हम फूड फार्म बनाने। ये था अपना सस्ता सा ट्रेडिंग हॉल, इसको भी बढ़िया से बनाएंगे। अभी ऐसे ही मैंने शुरू में बना लिया क्योंकि अभी बहुत सारा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है गाइस, जो मेरे को चाहिए। जैसे डार्क फॉरेस्ट में जो डार्क लॉग होता है वो मेरे को चाहिए, और एक बम्बू होता है वो मेरे को चाहिए, बहुत कुछ चाहिए गाइज अभी। इसलिए मैं अभी उतना हाई फाई नहीं बना रहा है, अभी सिर्फ सिंपल बना रहा हूँ, उसके बाद हाई फाई बनाया जाएगा। ये क्या डट ब्लॉक लगा के रखा है मैंने, अच्छा रहा दो ना, इसको हटा लूँगा, क्या दिक्कत है। चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पिलर का मार्किंग देते हैं, 3 ब्लॉक की हाइट देते हैं, नहीं 4 ब्लॉक का हाइट देते हैं गाइज। ऊपर कैसे जाऊँ अब, अच्छा छोड़ो बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे ग्लास लगा दे क्या, पहले एक मार्किंग देते हैं, रुको पहले ना एक मार्किंग देते बनाया कैसे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। फिर अगर गड़बड़ बना तो ग्लास को बार बार तोड़ना पड़ेगा, इससे पहले मार्किंग देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 1 2 3 चलो ये भी ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक जाएगा, सीधा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गड़बड़ हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 गड़बड़ हुआ है गाइस, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है मेरे से पक्का, 1 2 3 हाँ ये गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ था, 3 ब्लॉक का दे रहा हूँ ना मैं, ये 3 देने के बाद एक एक्स्ट्रा आगे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ ऐसे दूंगा मैं। चलो तो ये हो गया अपना परफेक्ट। अब क्या करना है ना, पिलर कहाँ कहाँ पे देना है, एक पिलर यहाँ पे देता हूँ, 1 2 3 ज़्यादा दे दिया मैंने, एक पहले से दे रखा है एक ऊपर दे दिया। चलो आइए परफेक्ट, 1 2 3 4 ठीक है। अब यहाँ पे एक देते हैं पिलर, बीचों बीच देते हैं, 2 3 4 ठीक है। अब एक यहाँ पे 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। अब ये हाँ सही है, एक ब्लॉक नीचे भी तो है, 1 2 3 एक कम गए क्या, 2 3 ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चलो तो मैंने चारों तरफ ना पिलर मार्किंग कर दिया। तो ना ये नीचे का जितना भी है ना इधर साइड का तोड़ देता हूँ, सिर्फ पिलर रहने देता हूँ, साइड में ना हम ग्लास लगाएंगे, अच्छा लगेगा गाइस, अच्छा लगेगा, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास लगेगा।
तो हमने एक तरफ का ना पूरा कंप्लीट कर दिया, ये पूरा कंप्लीट कर दिया, इधर ग्लास हो गया, ऊपर लॉग हो गया, और नीचे जो होगा ना ये खेत हो गया हमारा। तो अब ये हमारा सारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब फटाफट से ना सेम टू सेम एक यहाँ पे बनाते हैं, तो तीन का गैप लेके बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट है। तो हमने ये तो पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा नहीं किया, आधा ही किया, क्योंकि ग्लास अभी मेरे पास नहीं है, ग्लास अभी बन रहा है। तब तक हम क्या करते हैं ना, अब इसमें ना पानी का जुगाड़ लगाते हैं, तो हमें पानी इसमें डालना है, तो पानी डालने का कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमें चारों कॉर्नर में पानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ते हैं, ये कॉर्नर रहा ना, तो एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, मार्किंग के लिए ना हम टेम्पररी ब्लॉक के तौर पर डट रखते हैं, 1 2 3 ये हो गया 4, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया 4, ठीक है, 1 1 2 3 ये 4, 1 2 3 एंड 4, चलो ये हो गया 4, चलो ये हो गया अपना सेंटर का ब्लॉक, ठीक है। सेंटर में हम क्या करेंगे ना, कंपोस्टर रखेंगे, सेंटर में हम पानी नहीं रखने वाले, क्योंकि हम पानी किनारे किनारे पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपोस्टर, ठीक है, ये अपना डन हो गया कंपोस्टर। अब पानी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे, ये चक पीछे, इनके पीछे वाले ब्लॉक में रखेंगे, जस्ट इनके पीछे वाले ब्लॉक में। अब ना हमें अनलिमिटेड पानी चाहिए, तो यहाँ पे बना के देखते हैं, दो वाटर बकेट में अनलिमिटेड पानी बनेगा क्या, एक बार ट्राई करते हैं, दो वाटर बकेट में अनलिमिटेड पानी नहीं बनेगा, तो हमें एक बकेट और पानी लाना होगा। तो रुको लेके आता हूँ मैं फटाफट से, यहीं कहीं पे देखा है मैंने वाटर, कहीं पे तो था, वो तो टेम्पररी वाटर है। चलो हम आगे से ले आते हैं, अपने घर की तरफ से, विलेज की साइड में, वहाँ पे ले आते हैं फटाफट से। चलो तो अब चारों कॉर्नर में पानी डालने से पहले यहाँ पे एक अनलिमिटेड बनाते हैं, एक बकेट तो मैंने डाल रखा है। चलो ना फटाफट से सब में पानी डालते हैं, दो बकेट और ले आते हैं, चलो तो ये अपना बन के रेडी हो गया। अब स्लैब चाहिए हमें, तो स्लैब लगाते हैं यहाँ पे पानी के ऊपर ना, चारों तरफ स्लैब लगा देते हैं, चलो ये हो गया अपना डन। अब सेम टू सेम ना हम उधर की साइड करेंगे, जस्ट अपोजिट वाले में, इस पे हम एक ब्लॉक लगाएंगे, यहाँ पे प्लैंक का ब्लॉक लगा देंगे, और इस पे हम लगा देंगे टॉर्च चारों तरफ से, ऐसे एक एक टॉर्च ना यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक रहेगा, अपने विलेजर की सेफ्टी रहेगी, यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, चलो तो हो गया अपने विलेजर की सेफ्टी के लिए। अब सारा कुछ कर दिया मैंने, बस होई चला के ना कैरेट लगाना है, तो होई भी चला देंगे अभी फिलहाल, हम पहले इधर भी बना दे सेम टू सेम। चलो तो हमने सेम टू सेम वैसा कर दिया, अब हम होई चला के फटाफट से कैरेट लगा देते हैं, तो होई बनाना पड़ेगा हमें, तो अब लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगाते हैं, ये गलत कर दिया मैंने, इसको पहले बराबर कर देता हूँ। चलो अब बनाते हैं होई, होई के लिए हम क्या रेसिपी था, चलो तो दो होई बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि एक होई टूट जाएगा, मेरे को पक्का भरोसा है, क्योंकि बहुत जल्दी ना होई डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होई मारते हैं, चलो तो होई मार के हमने रेडी कर दिया। अब फटाफट से ना कैरेट लगा देते हैं, दो होई बना लिया था हमने, मेरे को लगा कि डैमेज होगा, बट चलो कोई ना, इस वाले खेत में ना कैरेट लगाते हैं सिर्फ, जितना भी कैरेट है ना अपने पास फटाफट से लगाएंगे, उस वाले में ना पोटैटो लगा देंगे, आलू जितना भी रहेगा।
चलो तो इस वाले में कैरोट लगा दिया, जितना भी कैरोट था अपने पास फटाफट से ना सो जाते हैं, रात हो गया शायद, हाँ रात हो गया, दिन करते हैं और दूसरे वाले खेत में ना पोटैटो लगा देते हैं। चलो तो यहाँ पे पोटैटो भी लगा दिया, सारा कुछ मैंने कर दिया। अब क्या करना है ना, हमें विलेजर को लाना है, तो सबसे पहले ना इस एरिया को ना ब्लॉक करते हैं, इस एरिया का कोई काम नहीं है अपने को। अब हमें यहाँ पे हॉपर और फेंस लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ना ये गड्ढा करते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। चलो तो अब ना यहाँ पे एक और इसे करते हैं ऐसे, हाँ अब यहाँ पे लगाते हैं हम चेस्ट। सबसे पहले चेस्ट कहाँ गया, दो इधर है, चलो ऐसे ऐसे ठीक है। अब इसमें एक होपर ऐसे, इसमें ऐसे ठीक है, छः छः होपर, हाँ चलो छः छः लगा देते, ठीक रहेगा अपने को, बढ़िया रहेगा। अब सेम टू सेम इधर करने वाले जस्ट इसके सामने, तो ये अपना हो गया डन। तो अब फटाफट से ना चलते हैं, ग्लास ले आते हैं और फेंस ले आते हैं, फिर उसके बाद ना फटाफट से ब्लेजर को लाना होगा। फटाफट से ना यहाँ से ग्लास उठाते हैं, तो कितने ग्लास हो गए, चलो अच्छे खासे ग्लास है, इतना में काम हो जाएगा। चलो अब ना ग्लास उठा लिया मैंने पूरे, और यहाँ से ना फेंस उठाते हैं, फेंस इसी कहीं में रखा था, चलो बोट पहले ले लेते हैं, बोट की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों बोट उठा लेते हैं। हाँ ये रहा फेंस, छः फेंस इसमें और फेंस होगा भाई, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, हाँ ये रहा, चलो तीन फेंस, टोटल नौ फेंस होगा। और फटाफट से ना हम क्या करते हैं ना, एक ब्लेजर को ना यहाँ से ले चलते, भाई कितने भाई ब्रेड करा रहे ये लोग, फटाफट से भाई ब्लेजर ही ब्लेजर भरे जा रहे। चलो कोई ना, अपने को काम आएगा। तो एक को यहाँ पे बैठाते हैं, बैठाने के लिए ना हमें जॉब देना पड़ेगा, तो जॉब के लिए ना हम एक टेबल ना हाथ में रखते हैं। चलो तू आ जा, तू आ जा। क्राफ्टोग्राफर भाई, क्राफ्टोग्राफी का जॉब लेने कोई नहीं आ रहा भाई, देख रहे हो। चलो एक बैठ गया, जॉब मत ले तू, बैठ जा बहुत है। चलो तो अब एक को ना फटाफट से ले चलते हैं गाइस। विलेजर को मैंने लिया है यहाँ पे, कैरेट फार्म में रख दिया है, और फटाफट से ना इसे ग्लास से इधर से पैक कर देते हैं कि ये विलेजर भागे नहीं। ऐसे जॉब लेने के बाद ना विलेजर ये भागता नहीं है, फार्मर तो एकदम नहीं भागता, बाकी सबका तो भरोसा नहीं, बट फार्मर नहीं भागता है, ये मैंने देखा है। तो फटाफट से ना यहाँ पे फेंस लगाते हैं, और यहाँ पे मैं इसका बोर्ड तोड़ देता हूँ। चलो तो अब बोर्ड को पीछे जा, पीछे जा, पीछे जाके जॉब ले, जा ना पीछे। अच्छा एक ब्लॉक यहाँ का तोड़ता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। कोई को हाथ में रखना पड़ेगा। हाँ तो चलो गाइस, ये जॉब ले चुका है, अब ये भागेगा नहीं। यहाँ पे सील कर देते हैं और यहाँ से फेंस उठा लेते हैं। चलो तो अब ये विलेजर ना भागेगा नहीं, अब ये परफेक्ट ये वर्कर यहाँ का बन रखा है। तो अब ना सेम टू सेम अब इधर भी कर देते हैं, सारे ब्लॉक से इसे कवर अप कर देते पहले।
चलो तो एक विलेजर को लाके मैंने सेट कर दिया, फटाफट से ना सारे विलेजर को लाके यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे ग्लास भी है मेरे पास, सारा कवर कर दिया मैंने, सारे तरफ ग्लास से कवर कर दिया। अब फटाफट से ना एक यहाँ पे ले आऊँ, अब एक विलेजर को और ले आता हूँ और पिस्टन को यहाँ से तोड़ लेता हूँ। अपने पास बोट आ गया ना, हाँ अब टोटल ना 3 विलेजर और लाने, फटाफट से मैं ले आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलो गाइस आज हमने कंप्लीट कर दिया फूड फार्म भी। इधर हमने कैरेट का बना दिया, इधर कैरेट का फार्म बना दिया, उस साइड में पोटैटो का बना रखा हूँ। ये हो गया अपना पोटैटो का, और ये बीच में 2 विलेजर इसलिए रखा हूँ ना, ये लोग क्राफ्टोग्राफर है, ठीक है, क्राफ्टोग्राफी का जॉब ले चुके हैं। ये कैरेट का फार्म करके इसको देगा और इधर से पोटैटो का फार्मिंग करके ये इसको देगा। तो गाइज हमने आज अपना फूड फार्म पूरा कंप्लीट कर दिया, एक तरफ कैरेट का बना दिया और एक तरफ पोटैटो का बना दिया। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको फूड फार्म कैसा लगा, फटाफट से ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना गाइज, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं गेम प्ले वीडियो शॉर्ट्स और लाइव करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अनदर डे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई लोग।